नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए अदानी ग्रीन पे। देखिए अदानी ग्रीन आज दूसरे दिन की ये गिरावट है। पहले देखिए, पहले दिन 5% डाउन सर्किट पे क्लोज हुआ था, अभी आज 40 रुपये क्लोज हुआ है। अभी देखिए, आपको इसमें मौका मिल सकता है कि फिर से नहीं मिल सकता है मौका। अच्छा, हम उसके ऊपर आज बात करते हैं। और यहाँ पे चलिए, अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँ थोड़ा सा, तो आप इसकी पहले रिटर्न के ऊपर आप ध्यान दीजिए। हम देखिए आ गए हैं रिटर्न के ऊपर। देखिए 2 साल, अगर आप 2 साल पहले अगर आप इसमें निवेश किए होते हैं, तो आपका लगभग 2205% का रिटर्न होता। अगर 1 साल पहले आप इसमें निवेश किए होते हैं, तो लगभग 860% का रिटर्न आपको मिलता। अगर आपने 6 महीने इसमें निवेश किया होता, तो 360% का आपको रिटर्न मिलता। अभी देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतना शेयर इतना ज़बरदस्त तेज़ी से भाग रहा है और ये भागता ही जा रहा है। देखिए, हमारे जैसे निवेशक, छोटे निवेशक होते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो इतना ज़्यादा भाग चुका, और अगर इतना ज़्यादा भाग चुका तो ये गिरेगा ज़रूर। देखिए, ये 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे भागते गया, हम लोग सोचते गए कि चलो ठीक है भाई, अभी ये इतना भाग गया, लगता है थोड़ा गिरेगा ज़रूर। लेकिन ये 2 साल में, आप सोचो, 2 साल में इसने लगभग लगभग 22%, मतलब 2200% का रिटर्न दिया है। मतलब आपका पैसा 22 गुना कर दिया है पैसा आपका। और जो छोटे निवेशक हैं, वो इसमें निवेश करते हैं, और निवेश करने के बाद जैसे ही उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब वो किसी भी स्टॉक में वो लॉन्ग टर्म बनना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है उनकी कि कोई भी स्टॉक हो, उसमें वो थोड़ा दिन तक बने रहें। ऐसा नहीं, उनको 5,000, 10,000, 50,000 का प्रॉफिट हो जाता है, वो निकल जाते हैं। अभी सोचिए, यहाँ पे कोई भी अगर निवेश किया होता तो बहुत ही अच्छा रिटर्न पाता, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसने ही 45 रुपये पे 500 शेयर लेके रखा था, वो 10,000 प्रॉफिट आया, वो निकाल दिया। सोचिए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा वेट करके अच्छे से आप निवेश करिए, और किसी भी अगर आप स्टॉक में आप अगर निवेश करते हैं, तो आप इसको ज़्यादा दिन तक रखा करिए, और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप रखेंगे, तो आपको एक अच्छी रहेगी अपॉर्चुनिटी कि ठीक है भाई, अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, रहिए स्टॉक के बारे में बात। और मैं चलिए, मैं शेयर प्राइसिंग होल्डिंग पे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, देखिए किसी भी आप स्टॉक में निवेश करने से पहले आप शेयर पैटर्न होल्डिंग आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर वो प्रमोटर के पास है, प्लेस्ड प्रमोटर है, वो देखिए गिरवी रखा हुआ शेयर 5.72% का यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है। देखिए, कोई भी अगर स्टॉक हो, अगर इतना छोटा सा अगर हिस्सा अगर गिरवी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो फिर भी इतना लार्ज कैप हो गया, बड़ा शेयर हो गया। अब यहाँ देखिए, म्यूचुअल फंड की 11 स्कीमों ने इसमें निवेश किया है, लगभग 0.09%। और यहाँ पे अगर मैं FIs की बात करूँ, तो 94 FIs ने निवेश किया है, लगभग 22%। आप सोचिए, इतना बड़ा निवेश खाली FIs ने किया हुआ है। और चलिए, अगर हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये पहले प्लेस्ड कितना था, आप यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये 74.92% तो ये प्रमोटर का होल्डिंग है, उतना का उतना ही है अभी तक। देखिए यहाँ पे, ये सितंबर 2019 में
इसका 42.35% गिरवी था। फिर उसके बाद वहीं पे देखिए सेम टू सेम दिसंबर 2019 में, यहाँ पे देखिए 16.97% गिरवी पे था। कितना कितना देखिए कम हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 14.70 मार्च 2020 में, मतलब ये लगभग हर क्वार्टर में ऐसे ही घट रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे पूरा पता चलेगा। देखिए फिर उसके बाद जून 2020 में, जून 2020 में यहाँ पे देखिए 6.93%, अभी सितंबर 2020 में देखिए 5.72%। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये मतलब एक अभी साल भी पूरा, एक साल हुआ पूरा, ठीक है, एक साल पूरा में कहाँ 42% प्लेज्ड प्रमोटर और कहाँ पे 4.72%। सोचिए कितना ज़बरदस्त रिकवरी इसने किया है प्लेज्ड प्रमोटर से, मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर से बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सितंबर 2019 में 20.32%। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिसंबर 2019 में 20.80%, मतलब ये हर क्वार्टर में इन्होंने स्टॉक बढ़ाया है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए मार्च 2020 में 21.14%, मतलब आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हर क्वार्टर में इसने स्टेक बढ़ाई है एफआईआई ने। आप ये चीज़ देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टेक बढ़ा रहे हैं, और अभी कितना स्टेक बढ़ाएंगे वो भी पता नहीं। और यहाँ पे देखिए, अगर म्यूचुअल फंड की बात करें इनका भी देखिए, इनके पास 2019 में कुछ भी नहीं था, इनके पास 2020 में 0.01% की मात्र हिस्सेदारी थी। फिर उसके बाद 2020 में, जून 2020 में सेम वही, और सितंबर 2020 में इनके पास देखिए 0.09% की हिस्सेदारी हो गई। मतलब ये भी बढ़ा रहे हैं स्टॉक, इंश्योरेंस वालों के पास कुछ भी नहीं था और ना ही है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम डीआईज की बात करें तो वो लगातार बिकवाली किए हुए हैं। देखिए सितंबर 2019 में 31%, सॉरी 0.31%। फिर उसके बाद देखिए दिसंबर 2019 में 0.29%। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्च 2020 में 0.19%। यहाँ से देखिए सितंबर में लास्ट उनके पास अभी है 0.018%। और हम देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें NIIS की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने भी सेम स्टेक अपना घटाया है। यहाँ पे देखिए सितंबर 2019 में इनके पास 4.445% था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर हम सितंबर 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 2.39% इन्होंने बिकवाली की, मतलब इनके पास है। और फिर उसके बाद इन्होंने बिकवाली की है, मतलब हर क्वार्टर में ये बेच रहे हैं। और हम चलते हैं अभी चार्ट पे, चार्ट पे देखते हैं सिचुएशन क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं अदानी ग्रीन के चार्ट पे, और यहाँ पे देखिए ये जो कल की कैंडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5% का डाउन सर्किट था। और ये जो कैंडल है ये आज की है, फिर भी 40 रुपये आज की गिरावट है। अच्छा, ये तो 40 रुपये आज की गिरावट, वो तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम पीछे आके थोड़ा सा अगर और देखते हैं तो हमेशा ही ऐसे ऐसे गिरावट हुई है। मतलब आप इस गिरावट से डरिएगा नहीं कि ये और नीचे आ जाएगा या ऐसा कुछ होगा या भाग जाएगा, आप ऐसा कुछ मत देखिए। आप अगर पीछे अगर चार्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक बार गिरावट बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी। अब देखिए 24 जून 2020 में यहाँ पे देखिए कितनी भारी गिरावट हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ से डाउन सर्किट लगा था, पहले अपर सर्किट लगा था, फिर उसके बाद बहुत भारी सेलिंग हुई थी, तो यहाँ देखिए डाउन सर्किट लग गया था। अभी देखिए फिर यहाँ से रिकवरी अच्छी हुई थी, बहुत ही भारी रिकवरी हुई थी, वो भी अपर सर्किट के साथ हुई थी। और हम पीछे चले जाते हैं, जैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे अभी देखिए जैसे हो रही है, यहाँ पे देखिए पहले डाउन सर्किट लगा, कल 25 नवंबर को डाउन सर्किट लगा, आज भी डाउन सर्किट लगा था, वो तो 40 रुपये
इसलिए ये ऊपर हुआ, मतलब 40 रुपये माइनस हुआ तभी ये यहाँ पे हरी कैंडल दिखा रहा है, नहीं तो ये पहले डाउन पे ओपन हुआ, पूरा एकदम डाउन पे ओपन हुआ, मतलब डाउन सर्किट पे ओपन हुआ। अभी देखिए आज 40 रुपये माइनस है 26 नवंबर को, और यहाँ से थोड़ा सा भी अगर आपको करेक्शन मिलता है या स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे देखिए जो ये स्टॉक भागा हुआ है 24 नवंबर का, देखिए इसका जो हाई है 1220 रुपये का है, और अभी आपको मिलेगा, देखिए अगर अभी आपको अगर मिलेगा तो 1104 रुपये पे मिलेगा ये स्टॉक, तो कल हो सकता हो थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिले, और करेक्शन देखने को मिले तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करना चाहते हैं या 50,000 का निवेश करना चाहते हैं, आपकी जितनी रकम हो आप उतना अगर निवेश करना चाहते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा, थोड़ा थोड़ा आप निवेश करिएगा, ये नहीं कि मैं एक ही बार में सब डाल दूँ मेरा पैसा 2 गुना 3 गुना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक में करेक्शन थोड़ा सा और होने दीजिए, जैसे ही स्टॉक एक लेवल पे आता है फिर आप वहाँ से एंट्री लीजिए। अगर आप इसमें निवेश किए हुए हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ताकि आपका प्रॉफिट लॉस ना हो, आपका जो प्रॉफिट वो बन जाए, और जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी इसमें आती है आप इसमें फिर एंट्री ले सकते हैं। और ये अदानी ग्रीन का बहुत ही अच्छा स्टॉक है, नंबर 1 स्टॉक है जो कि इतना रिटर्न दिया। अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूं तो आपको तो मैंने बता ही दिया है रिटर्न के बारे में, लेकिन आप फिर भी यहाँ जान लीजिए। देखें देखिए ये यहाँ से इसका जो चार्ट है देखिए कितना ज़बरदस्त भागा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, और एक मंथ के अगर हम 1 महीने की बात करें तो 56% का रिटर्न है। आप इसके हिसाब से सोचिए कितना ज़बरदस्त ये पैसा बना के दे रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बना के दे रहा है, और आप यहाँ पे निवेश करिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यही है कि थोड़ा थोड़ा आप निवेश करिएगा, ये नहीं कि एक ही बार मैं लगा दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, आप करिएगा थोड़ा थोड़ा निवेश करिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके थैंक यू फ्रेंड।